नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। अभी हम लोग मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 15 दिसंबर को SCBA मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन होने वाला है। तो इस मामले चर्चा काफी गरमाई हुई है और अधिवक्ताओं के बीच जो है इस बात का चर्चा जोरों पर है। दरअसल होता यह है कि इस ये चुनाव के बाद जो लोग जिनके पास इस चीज़ के पावर होते हैं और वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं वो बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, देश भर के तमाम पृष्ठभूमि और तमाम प्रांत से अधिवक्ता यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं और वो बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ यहाँ आते हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के पारेख पीएस सर, और सबसे खास बात है कि ये इनका वैलेट नंबर 29 है। ये डायरेक्टर के पद के लिए इसमें जो उम्मीदवारी अपनी है इनकी, और इससे पहले जो सबसे अहम बात है कि ये चार बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इन्होंने कई ऐसे नजीर पेश किए हैं अपने कार्यकाल में जो अधिवक्ताओं के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है। हम बात करते हैं पारेख सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है 10 न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। अब पहला सवाल मेरा यही है, चूंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपने अपने जीवन के एक अहम समय को इस पेशे में दिया है, तो मैं पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि अधिवक्ताओं की जो मूल समस्या है आप उससे रूबरू हैं, आपको पता है कि जो गांव से आते हैं, जो गरीब अधिवक्ता है, उनकी क्या समस्याएं हैं। अगर पुनः एक बार आपको ये अवसर मिलता है उनके ये काम करने के लिए, तो आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी? मेरी प्राथमिकता ये है, कहां मेरी प्राथमिकता ये है कि हमारे लिए दिल्ली में प्रैक्टिस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए सारे वकील आते हैं। सब दिल्ली वाले नहीं होते हैं, सारे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है तो इसीलिए इधर आते हैं। जब आते हैं तो पहले तो दिल्ली में बहुत जगह थी, तो सर कुछ को कुछ कुछ न कुछ जगह मिल जाता था और कभी किराया में दे, अभी किराया भी बहुत है और कई लोग तो वकील को किराया नहीं देते हैं कि भाई वकील आते हैं तो मुश्किल है। वेरी बैड बॉर्स, आई एम वकील हूँ, लेकिन एक है कई दफा के वकील को हम नहीं देंगे किराए पर नहीं देते वो, दैट इज देयरफॉर मैंने सोचा कि हमको जगह चाहिए। पहले तो नीति बाग में मिला था तो वो तो ख़त्म हो गया, वो बिगिनिंग में जो था मैं 1988 में मुझे मिला था नीति बाग में, अभी तक वहाँ रहता हूँ। फिर मैं एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया 32 में एज ए पीएस पारेख, कि भाई मेरे कितने लॉयर्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, उनका क्या, उनको कैसे, वो कैसे आके इतना पैसा, उस टाइम तो वन लेख का मिलेगा दोस्त देश, तो वन लेख तो बहुत इम्पॉसिबल था कि उसको कहे तो लेख इसके तो वन लेख वाला आदमी है, तो इट वॉज अ बिग थिंग, तो कहाँ थे। और जो बिगिनर लॉयर्स है उसके पास कहाँ से वन लेख आएगा, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और आज तो 1 crore के में नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए जो लोग दिल्ली में रहता है वो तो ठीक है, उनके पास जो होगा उनके फादर का होगा, मदर का हो, जो अच्छा है, इट्स गुड लक टू देम। बट किसके लिए, दिल्ली में रहने वाले भी के पास भी पैसा नहीं है, तो वो क्या चाहेंगे इसके, वो क्या 1 crore 2 crore 5 crore कभी ला सकता है। इसीलिए मैंने रिट पिटीशन फाइल किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मैंने रिप्लाई किया, यूनियन ऑफ इंडिया को, और मैंने उस टाइम अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल जो हमारे वकील ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दोनों को भी मैंने बोला कि भाई मैंने एप्लीकेशन फाइल किया है, पिटीशन किया है, लेकिन आपको यूनियन ऑफ इंडिया का तो आप ही रिप्रेजेंट करोगे, तो आप एज यूनियन ऑफ इंडिया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो बोला कि पारेख साहब आप कहते हैं बात सही है, लेकिन मुझे पहले गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा कि आई कैन से यस विद उन्होंने गवर्नमेंट को किया। उस टाइम मेरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी शी वॉज विथ मी इन द लॉ कॉलेज इन बॉम्बे, सो आई वेंट टू हर, शी सेज यस इज अ गुड थिंग, शी इज अ लॉयर बट शी वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग, देन आई सेड यू डू दिस, सो शी ऑल्सो हेल्प एंड दैट्स हाउ वी गॉट ऑल दिस एरियाज वेट ऑल दिस थिंग्स वेर। But there are more students, there are many more lawyers, and where do they go? So that is why I want some more land, and that for that land, I'm sure even the Supreme Court judges will also help us. We should, I'll request the Chief Justice and say that I'm not asking for me. In fact, I did not take the
अर्लियर फर्स्ट टाइम ऑल्सो आई डिड नॉट टेक एनी ऑफ दोस प्लेसेस थे। और इन्हीं आश्वासन के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इनके विषय में मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही कहा कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, 10 बार ये एसोसिएशन में रहे हैं, और जो अभी पूर्व में भी अधिवक्ताओं को जो घर मिले, जो जमीन अलॉट किए गए, उसमें इनकी अहम भागीदारी थी। और फिर एक बार इस चुनाव के बाद उन अधिवक्ताओं के लिए जो कुछ कार्य किए जाएंगे, तो इन्होंने वो आश्वासन दिया कि मैं पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करूंगा। इन्होंने अधिवक्ताओं से अपील किया है कि वो हमें मतदान दे। बहरहाल मतदान कल होना है और हमें भी परिणाम का इंतजार रहेगा। आप देख रहे हैं टेनिस नेटवर्क, रंजन अभिषेक, नई दिल्ली।